एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब हम उनके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास है टाइप फर्स्ट, इसमें बोला गया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब जो ये हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है। अब यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट में दिया हुआ है, और हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है, जब भी हम उसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखते हैं तो 1 अपॉन ए रेज टू द पावर m, तो यहाँ पे 3 रेज टू द पावर माइनस के 5 है, तो हम इसे पॉजिटिव में कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 5। ऐसे करना ये, जैसे सेकंड है हमारे पास 10 रेज टू द पावर माइनस के 5, इसको कैसे लिखना है, 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर 5, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिख दिया हमने इसको 1 अपॉन 7 स्क्वायर। सिमिलरली 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर 100, हमें इनको सिंप्लीफाई नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बताना है, ये ध्यान रखना है। 1 अपॉन 11 रेज टू द पावर 3, तो ये सब हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस 3 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाय 3 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर माइनस के 6 एज अ रेशनल नंबर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब जो ये हमें दिया हुआ है नंबर, हमें इसे रेशनल नंबर में लिखना है और जो इसके एक्सपोनेंट होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए। सबसे पहले हमें ब्रैकेट का सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारा 3 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाय 3 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर माइनस के 6, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 5 अपॉन 3 रेज टू द पावर 8, क्योंकि ये तो दिया हुआ है हमें, ये डिवाइड का साइन है यहाँ पे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर माइनस 6। अब हमने रूल पढ़ा था कि अगर बेस सेम है तो जो नीचे वाली पावर है वो माइनस में चली जाती है, तो यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 5 माइनस 8 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर माइनस 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 रेज टू द पावर माइनस का 3, क्योंकि 5 और यहाँ पे माइनस 8, यानी कि प्लस माइनस माइनस, यानी कि 8 में से 5 माइनस करना है तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर माइनस के 3। अब यहाँ पे भी बेस सेम है तो दोनों पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 रेज टू द पावर माइनस के 9 और माइनस 6, तो यहाँ पे हो गया 3 रेज टू द पावर सॉरी 3, तो यहाँ पे हो गया 3 रेज टू द पावर माइनस के 9। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बताना है, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में मतलब यहाँ पे तो अभी नेगेटिव है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 9, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। जैसे थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला गया कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग, अब की बार हमें इवैल्यूएट करने के लिए बोला गया है, मतलब हमें इसकी को सॉल्व भी करना है। जैसे यहाँ पे पहले तो इसको, सबसे पहले अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना, तो यहाँ पे 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 2 इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू द पावर 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 1 अपॉन 9 इक्वल टू, अब इसको यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट है, पहले पॉजिटिव एक्सपोनेंट करना है हमें, माइनस 1 अपॉन 4 टू द पावर 2 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस के 4 को हमें 2 टाइम्स लिखना है, माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 इक्वल टू 1 अपॉन 4 4 जा 16 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 1 है तो यहाँ सॉरी माइनस 5, तो इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 5, ये ध्यान रखना है, इक्वल टू 1 अपॉन 1 टू द पावर 5 अपॉन 2 रेज टू द पावर 5। अब इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये जो सबसे नीचे वाला नंबर है ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5, और 1 की पावर तो कितना भी करें हम 1 ही रहेगा, तो हमें 2 रेज टू द पावर 5 को सोल्व करना है, 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो यहाँ पे 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32, तो यहाँ पे 32 हमारा आंसर। तो अभी हमने सिर्फ एक ही टाइप किया है, अभी बाकी टाइप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।